कि चुनेंगे अच्छा सीएम हम प्रदेश का मान बढ़ाएंगे, चुनेंगे अच्छा सीएम है अपने प्रदेश का मान बढ़ाएंगे, जो अच्छा कार्य करेगा भैया उसको हम तो लाएंगे। सुना चाचा चाची सुना बड़का भैया, गोड़ लागतानी हो हे बूढ़ी मैया, 7 मार्च के अपने बुथवा पे जाई के, आई है जरूर से बटनिया दबाई के, बतिया कहिला हम सबके समझाई के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्यपाल, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं हूं जौनपुर के लोहिया पार्क में और आए हैं माहौल समझने के लिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, यूपी का क्या होगा माहौल, इसको समझेंगे इसमें आए कुछ लोगों से। जैसा कि अभी एक नई खबर आ रही है 4:15 बजे से कि यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला कर दिया है, और ये हमले का जो असर है ये भी राजनीति में कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है, माहौल बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आइए जानते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम है आशीष पाठक अमृत, मैं लोक गायक हूँ जो है। अच्छा आशीष पाठक जी गायक हैं, किस उसके गायक हैं आप? हम भोजपुरी गीत के अवधि गायक हैं, जैसे भोजपुरी भोजपुरी और अवधि दोनों का गायक, मतलब गाना बनाते और लिखते और गाते भी हैं। बिल्कुल। तो यहाँ कैसे आपका हुआ भोजपुरी? और यहाँ एक्चुअली क्या है, मैं रहता हूँ बगल में जी, हाँ मेरा आवास है, तो ऐसे हैं घूमने के लिए चला है। तो चलिए आपसे कुछ गायकी के बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि चुनावी माहौल क्या है उत्तर प्रदेश का। चुनावी माहौल क्या, हम लोग तो कलाकार हैं जी, जी जो विकास का कार्य करेगा उसको वोट दिया जाएगा जी। तो कलाकारी के माध्यम से क्या लगता है कि विकास कौन कर रहा है? अब विकास के मामले में तो लगभग हर आदमी ही विकास के बारे में सोच रहा है, हर पार्टियाँ जो है विकास का कार्य कर रही हैं, तो जो विकास का कार्य करेगा उसी को लाया जाएगा, उसी को जनता लाएगी, और वो 10 मार्च को आपको देखने को मिलेगा ही। 10 मार्च को तो निर्णय आएंगे। जौनपुर में के ही रहने वाले हैं आप? हाँ हम जौनपुर। जौनपुर का माहौल क्या कहता है, जौनपुर में क्या स्थिति? जौनपुर में स्थिति यह है कि जो विकास का कार्य कर रहा है लोग उसी को जो है लाएंगे। किसने किया विकास का कार्य? अब जो भी कर रहा है, मैं एक्चुअली मैं एक कलाकार हूँ, मैं नहीं कह सकता। मैं समझ सकता हूँ आप मेरे भाई, ये हमारा जौनपुर है तो जौनपुर के बारे में तो मैं 2 लाइन यही कहूँगा। चलिए ये बता दीजिए कि सत्ता की वापसी होगी या कुछ और बदलाव के चांस हैं? अब देखिए ये तो मैं पर्सनली नहीं कह सकता, एक्चुअली क्या है कि मैंने बोला ना कि जो विकास का कार्य करेगा वही आएगा। गायकी के माध्यम से, गायकी के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहते हैं? गायकी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनेंगे अच्छा सीएम हम प्रदेश का मान बढ़ाएंगे, चुनेंगे अच्छा सीएम है अपने प्रदेश का मान बढ़ाएंगे, जो अच्छा कार्य करेगा भैया उसको हम तो लाएंगे। ठीक है, चुनेंगे अच्छा सीएम हम प्रदेश का मान बढ़ाएंगे, जो अच्छा कार्य करेगा भैया उसको हम ले आएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे चुनावों में? जनता से मैं अपील करूंगा कि जो अच्छा कार्य कर रहा है, जहाँ पे आपको सुकून है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये अच्छे हैं, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है, आप उसी को वोट दीजिए भाई। लेकिन वोट जरूर दीजिए, मतदान जरूर, हाँ मतदान जरूर करिए, क्योंकि विकास तो में आपके मतदान की बहुत ज़्यादा। मतदान के लिए मेरे आदरणीय DM साहब ने, मेरे जिले के जिला अधिकारी आदरणीय मनीष वर्मा जी ने मुझे सम्मानित भी किया था, मैंने गीत गाया था। सुना चाचा चाची सुना बड़का भैया, गोड़ लागतानी हो हे बूढ़ी मैया, 7 मार्च के अपने बुथवा पे जाई के, आई है जरूर से बटनिया दबाई के, बतिया कहिला हम सबके समझाई के, हो पहले मतदान फिर जल पान, ई बतिया का करिह ध्यान। भाई मतदान जो है एक वोट से जो है सरकार बनती है और बिगड़ती है, तो कहना है कि पहले मतदान फिर जल पान, यही बतिया के करी है ध्यान, संघे बूढ़ी चाची माई के सब के लिए आई के, बुथवा पे जाई है तू 7 मार्च के जाई के, आई है जरूर से बटनिया दबाई के।
बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर की जनता से अपील करते हैं, हमारे भोजपुरी गायक हैं, कि 7 तारीख को मतदान जरूर करें। कहिए, कुछ और भी साथी हमारे साथ, इनसे जानेंगे क्या सुना है सर आपका। उमा शंकर तिवारी। तिवारी जी, क्या है माहौल, मतलब की बार क्या मूड है जनता का, क्या समझते हैं? समझते तो यही है कि हमारा अपना मानना है वोट देना पहला हथियार है, और जो भी वोट दे विकास को देखते हुए वोट दे, हमारा अपना सुझाव है। और जैसे ही वोट लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे, उसी हिसाब से रिजल्ट निकलेगा। क्या लगता है किसकी किसने विकास किया, या तो ये बताएं या कौन विकास करेगा? देखिए, अभी विकास के बारे में कंफर्म नहीं बताया जा सकता कौन अच्छा किया कौन नहीं किया, क्योंकि जिले स्तर का अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। कार्य चल रहे हैं लेकिन कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, और पब्लिक इसे त्रस्त हो जाती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी कार्य शुरू हो उसका समापन जल्दी हो, तब हम विकास बारे में बता सकते हैं कि विकास हो रहा है। जब हम आप पीड़ित हों, धूल दूसरित हों, तो विकास बारे में कैसे कह दें विकास बहुत अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? हमारा तो मल्ही लगता है। तो क्या वहाँ प्रत्याशी की वापसी या बदलाव का कोई चांस? अब वो तो मत के अधिकार देने वाले बता सकते हैं वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। मतदाता बहुत ही समझदार, और यूँ कहें कि बात को कहने में कहीं ना कहीं संकोच है, या तो कहें या कहना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। और वैसे भी अभी यहाँ चुनाव अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब वोटें 7 तारीख को डलनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे मतदान की चुनाव आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे माहौल बनेगा, वैसे वैसे मतदाता भी धीरे धीरे ओपन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी कुछ और साथियों से समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर जैन। जैन जैन जी। घूमने के लिए आते हैं? जी सर, घूमने। तो चुनावों में भी इंटरेस्ट रखते हैं? वोट बन गई आपकी? जी बिल्कुल इंटरेस्ट रखते हैं जी। क्या मूड है आपकी बार? आपकी बार क्षेत्र की जनता का मूड आपकी बार अखिलेश सरकार का है? बदलाव का? बदलाव चाहिए आपकी बार। ऐसा क्यों सोचते हैं? आपकी बार बदलाव इसलिए चाहिए, देख रहे हैं इस बार कुछ, मतलब जनता बहुत परेशान है वाकई, तो इसलिए जनता बदलाव मांग रही है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लगता है आपको जनता परेशान हो रही है? मुद्दे तो बहुत है, अब बताने क्या बताया जाए, मुद्दे तो बहुत है वैसे, लेकिन बदलाव जनता मांग रही है। बदलाव जनता मांग रही है, बदलाव की इच्छा है, यूथ है वैसे, इधर भी समझते हैं थोड़ा सा। क्या सुनना है सर? आप भी युवा हैं। मेरा मैं बताइए, आराम से बताइए। क्या बताएं भाई, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम करीम शेख है। करीम शेख, क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। वोट बन गया आपका? जी सर। तो किधर है मूड अब की बार वोट? इसलिए इस साल हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करेंगे, क्योंकि देश में महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की समस्या, जिससे यूथ जो हमारे मतलब देश के हैं भटक रहे थे, और सरकार सिर्फ मजहब के चक्कर में पड़ी हुई है। इसलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे, माननीय अखिलेश यादव को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बदलाव का मूड है जी। आपका नाम? लुकमान सिद्दीकी। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? 366। 366 सदर जी। सदर क्या है सदर विधानसभा का? इस बार तो सब यही अखिलेश को ही कह रहे हैं, क्योंकि जनता जानती है कि जो काम करता है वही आता है। बाकी जातिवाद लेकर हमेशा भाजपा खड़ी रहती है, क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर भाजपा। विधानसभा की स्थिति तो बड़ी अलग तरह से है, वहाँ सबसे ज़्यादा बाहुल्य में मुस्लिम आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ 3 प्रत्याशी मुस्लिमों से ही खड़े हैं जी। तो फिर इसका फायदा सीधा सीधा क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को जाए? क्या लगता है आपको, क्या डिसाइड कर पाएगी मतदाता कि हम किसको सपोर्ट करें? जी बिल्कुल कर पाएगी, क्यों नहीं, कि जो भाई हम जो एजुकेटेड पर्सन है वो तो जो काम देखते हैं उसी के हिसाब से डिसीजन लेंगे, अदर बाकी सबका हम क्या कह सकते हैं। काम तो भी उन पार्टियों ने तो काम किया ही नहीं, तो मौका ही नहीं मिला दूसरी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं जी जी, तो मंत्री भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ में अगर मतदान करेंगे तो उसके बाद 3 प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी मुस्लिम से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, उसमें चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा जी। बिल्कुल होगा, इसमें जातिवाद का ही हमेशा मुद्दा खड़ा रहता है कि मुस्लिम है फिर कैंडिडेट, ये सारी बातें हैं। लेकिन आपका मत है कि बदलाव होना चाहिए? जी बिल्कुल बदलाव, क्यों युवाएं जो हैं बेरोजगार होते जा रहे हैं, बहुत सारी जो होती है वो तो कहते हैं, जो भाजपा वाले तो जो सत्ता में थे वो तो कहते हैं कि युवा इसलिए रोजगार नहीं दे पाए, कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से रोजगार नहीं बन पाया। नहीं ऐसा नहीं, कोरोना जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है इसके लिए। तो यही अलग अलग मत हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी रास्ते में, इसी व्यवस्था में, इसी पड़ताल में, हम आगे भी आपसे लोगों से रूबरू कराते रहेंगे।
तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।